हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और चलिए खबर दिन भर में आगे बढ़ते हैं। मैं और आदर्श लगातार आपके साथ बने हुए हैं। कंगना रनौत मुंबई से चंडीगढ़ पहुंची और वहां से अपने घर मनाली के लिए निकल गई हैं। लेकिन कंगना रनौत भले ही मुंबई से चली गई, सियासत जारी है। देखिए, कंगना रनौत और उद्धव सरकार की लड़ाई में सबसे मुखर रहे शिवसेना सांसद संजय राउत, और संजय राउत पर भी अब कंगना निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं, वो भी नहीं चूक रहे हैं कंगना पर निशाना साधने से। और संजय राउत ने खास से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। राउत जी शिवसेना के बड़े नेता हैं सर, चाइना जिस तरह से जासूसी करा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है कि काफी दिनों से भारत के नेताओं पर वो जासूसी करा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जासूसी चाइना कर रहे आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है विजिलेंस उनका। आज हमने अचानक से ये मामला उठाया है, कुछ अखबार में उस बारे में खबर आई है, लेकिन ये स्नूपिंग का मामला पहले भी देश में उठा है। कभी रशिया का नाम आता था, कभी अमेरिका का नाम आया, कभी फ्रांस का नाम आया, अब चाइना का नाम आया। चाइना तो हमेशा हमारे खिलाफ इस प्रकार का काम करते आया है। तो अब सदन में, अब संसद शुरू है, तो सदन में सरकार की तरफ से क्या निवेदन उस बारे में सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे सदन? सब लोग उठाएंगे, हम ये देश का मामला है, सभी लोग उठाएंगे। सदन आज से शुरू हो गया है, शिवसेना की तरफ से क्या प्रमुख मांगे होंगी और क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? मुद्दे तो देश के मुद्दे हो गए, हमारे व्यक्तिगत मुद्दे कोई नहीं। कोविड-19, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी है, GST का मुद्दा है, हर राज्य में तकलीफ है, हम राज्य को नहीं चला सकते। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, हमारा जो हिस्सा है GST का अब तक नहीं मिल पा रहा है, तो हम कैसे राज्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। सर, एक महाराष्ट्र राजनीतिक मुद्दा जुड़ा जो कंगना रनौत का मामला है, आज जब वो चंडीगढ़ पहुंची तो उन्होंने ट्वीट फिर किया कि चंडीगढ़ पहुंचकर जान बची तो लाखों पांव जैसा महसूस हो रहा है, और शिवसेना से सोनिया सेना हुई शिवसेना के राज्य में जो प्रशासन है वो आतंकी प्रशासन हो गया है। हम बहुत छोटे लोग हैं, इतनी बड़ी महान व्यक्ति का कोई कहना है तो हम उसके ऊपर बात करना ठीक नहीं है। जिसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय, देश की सरकार खड़ी है पूरी एक व्यक्ति के पीछे, तो मुझे लगता है हम बात करना ठीक नहीं। सरकार जवाब देगी, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जवाब देगी। क्या आप अप्रोच रूप से भाजपा की सरकार उनको बैक कर रही है? मानने की क्या जरूरत है, मुंबई शहर महाराष्ट्र शहर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला शहर है हमेशा, उस शहर को अगर इस राज्य को कोई बदनाम करता है, उसके ऊपर कोई हमारे वहाँ के जो लोग हैं कार्यकर्ता रिएक्ट होते हैं, तो उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता है, केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती। सर, जब नेवल ऑफिसर मदन शर्मा जैसे लोगों पर शिवसेना के लोग हमला करते हैं तब फिर वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रहती है? और राज्य में इस प्रकार से हमले हुए नहीं लॉ एंड ऑर्डर? UP में तो एक कैप्टन की हत्या हो गई घर में घुसकर, ऐसे बहुत से मामले। लेकिन देखो, कोई कैप्टन हो, कोई नेवल ऑफिसर हो, या कोई सड़क पर रहने वाला सामान्य आदमी हो, किसी के ऊपर भी इस प्रकार के हमला नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर भी। सैनिकों को सजा मिलेगी इसकी, आप लोग कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं, तुरंत अरेस्ट किया। देखो, इस प्रकार के हमले क्या पार्टी को पुश करने की करते ना कि यहाँ फलाना फलाना कुछ करना है? लोग पुष्पूर्तता से कुछ करते हैं तो उसका ब्लेम आता है पार्टी के ऊपर, लेकिन ये क्यों हुआ उसके भी जांच करनी चाहिए। लोगों का दिमाग, लोगों का मन क्यों भड़का है इस मामले में, ये कोई सोचता नहीं। राजनीति बहुत होती है, हम ऐसे हर राज्य के 50 मामले दर दिन दे सकते हैं, उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन ठीक है, किसी को राजनीति करनी है तो करने दीजिए। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है, कल उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी ना समझे, इसे क्या समझा जाए? समझने वालों को इशारा काफी है, इतना ही मैं कहूंगा। जैसे संजय राउत साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कोई नहीं है। दूसरी बात रही चाइना के मामले में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चाइना ये कोई नई बात नहीं, चाइना हमेशा से हमारे देश पर जासूसी करता रहा है।